Hi everyone, welcome to the video. So the topic is image histograms and histogram equalization. Very important topic for interviews and very important topic for further tasks जैसे कि जो हम लोग detections, human face detection करने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे use होता है. So let's see what we are going to learn. The key takeaways are theoretical introduction to the histogram. सबसे पहले हम लोग देखेंगे. After that we'll see image histogram और regular histogram में अंतर क्या होता है. Secondly we'll see grayscale histogram, what is brightness, how you will define brightness in an interview or to someone. Then comes color histograms and then comes histogram equalization. इसका जो coding part है वो next video में मैं बताऊंगा, जिसमें मैं contrast limited adaptive histogram equalization बताऊंगा. So if you have not subscribed till now, do subscribe, all right? What is histogram? Normally सबको पता है कि एक histogram एक bar graph like representation होती है. सिर्फ मैं अभी histogram के बारे में बात कर रहा हूँ. इसमें क्या होते हैं, जो bars होते हैं, जो हमारे बार होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी कुछ कुछ वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं. एक्स एक्सिस पे वो वैल्यूज आती हैं. लाइक हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट बकेट्स अ रेंज ऑफ आउटकम्स इनटू कॉलम्स अलोंग द एक्स एक्सिस. ठीक है, रेंज ऑफ आउटपुट्स जो होते हैं वो एक्स एक्सिस पे रहते हैं एंड इनकी फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो वाई एक्सिस पे रहती हैं. द नंबर द काउंट जो होता है वो वाई एक्सिस पे रहता है. ध्यान से सुनना, कोई भी ये चीज पूछ सकता है. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज अ इमेज हिस्टोग्राम. इमेज हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ हिस्टोग्राम दैट रिफ्लेक्ट्स द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इमेज. ठीक है, बहुत से फोटोग्राफर्स होते हैं, बहुत से लोग जो सीनियर फोटोग्राफर्स होते हैं वो इमेज को कभी भी ये आगे से जो लाइट होती है ना उसे शटर से कभी भी मॉनिटर नहीं करते या फिर ब्राइटनेस डायरेक्टली नहीं बढ़ाते, वो हिस्टोग्राम देख के ब्राइटनेस बढ़ाते हैं. ऑलराइट, ये बात ध्यान रखना. फोटोग्राफी में प्लॉटिंग द नंबर ऑफ पिक्सल्स फॉर ईच इंटेंसिटी वैल्यू. अब व्हाट इज एन इमेज हिस्टोग्राम, रिफ्लेक्ट्स द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इमेज. इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वो वैल्यूज आएंगी जो मीनिंगफुल होंगी, यानी इंटेंसिटी वैल्यूज, और नंबर ऑफ पिक्सल्स कंटेनिंग दैट पर्टिकुलर इंटेंसिटी कम्स ऑन द वाई एक्सिस. समझ गए ना. मान लो ये एक मेरे पास इमेज है, इसमें ये इंटेंसिटी वैल्यूज है, ठीक है, ग्रे से लेकर ये ब्लैक तक गया हुआ है. अब ग्रे मैंने आपको बताया था जितनी व्हाइट होगी उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी, तो ग्रे इंटेंसिटी ज्यादा है. अब ये देखो यहां से चल रहे हैं 000 करके, कुछ ये आया अराउंड 35 के करीब आया, तो 35 पे एकदम से पीक आ गई कि भाई बहुत सारे पिक्सल्स 35 वैल्यू के हैं. ठीक है, ये पीक अभी आपको इसलिए दिखाने के लिए, ये वाला हिस्टोग्राम इसलिए दिखाने के लिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये इजी है. इस पे देखो कितनी वैल्यूज है, 256 वैल्यूज, क्योंकि ये 8 बिट इमेज है. अगर आपको डेप्थ नहीं पता, यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियोस, ये 8 बिट इमेज है. ये सारे नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं कंटेनिंग दैट पर्टिकुलर पिक्सल वैल्यू. मतलब अगर मैं ब्लैक का देखूं तो ब्लैक ये अराउंड होगा 35, ये प्रॉपर ब्लैक नहीं है, तो 35 के बहुत सारे पिक्सल्स हैं, क्योंकि ये देखो ये पूरा ही ब्लॉक भरा हुआ है. लेकिन रेगुलर इमेज में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सबसे पहले अभी देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ इमेज हिस्टोग्राम. फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ पिक्सल्स फॉर ईच इंटेंसिटी वैल्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. कोई भी पर्टिकुलर इंटेंसिटी वैल्यू, मान लो ये ब्लैक की इंटेंसिटी वैल्यू 35 थी, तो 35 इंटेंसिटी वैल्यू कंटेन करने वाले इस पूरी इमेज में जितने भी पिक्सल्स होंगे उन्हें हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. जैसे मान लो 35 के यहां पर 2500 पिक्सल्स हैं, तो इसे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. बिन्स, बिन्स क्या होते हैं, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस उसे हम बोलते हैं बिन्स. कोई भी 8 बिट के लिए, 8 बिट इमेज के लिए ये क्या होगी, ग्रेस्केल इमेज के लिए बिन्स क्या होंगे, 8 बिट यानी 2^8, दैट इज 256 बिन्स. ठीक है, हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ पिक्सल्स फॉर एवरी इंटेंसिटी वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255. हेंस ईच ऑफ दिस 255 वैल्यूज आर इज अ बिन इन हिस्टोग्राम. बिन और फ्रीक्वेंसी आ गई ना समझ में. चलो अभी चलते हैं, व्हाट इज अ ब्राइटनेस. द ब्राइटनेस ऑफ अ ग्रे स्केल इमेज इज डिफाइंड एज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ऑल द पिक्सल्स कंटेन्ड इन द इमेज. ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ब्राइटनेस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, ध्यान से करो. अगर मेरे पास 5 नंबर्स है, 5ों का सम करके अपॉन 5, तो वैसे ही इसमें करते हैं 1/, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसे डरना मत, ये वही चीज है 1/m(n), जहां पर m और n क्या है, m जो है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स, n इज द नंबर ऑफ रोज, तभी यहां पर समेशन दिखा है. समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन करना हर एक चीज का. ठीक है, x इज इक्वल टू 1 to m, x 1 से m तक वेरी कर रहा है, y 1 से n तक वेरी कर रहा है, एंड उसकी जो इंटेंसिटी वैल्यू है उसे सम करते चले जाओ और बाद में सबसे डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल. ब्राइटनेस इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ऑल द पिक्सल्स कंटेन्ड इन द इमेज. ऑलराइट, ब्राइटनेस का ध्यान रखना. चलो अभी ग्रेस्केल हिस्टोग्राम्स पे आते हैं. ग्रेस्केल हिस्टोग्राम क्या होता है, जो सिंगल चैनल हमारे पास ग्रे चैनल होता है, ग्रेस्केल इमेज के पास वन ही चैनल होता है. चैनल्स के बारे में नहीं पता है तो पिछली वीडियोस देखना जाके. ऑलराइट,
ग्रे चैनल इमेज को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आप कहोगे ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा कैसे आ रहा है, ये देखो ये 256 वैल्यूज हैं, हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के जितने भी पिक्सल्स हैं ये उतनी उतनी वैल्यूज मैप कर रहा है इसे यहां पर, ठीक है। अब देखो अगर मैंने इस इमेज की ब्राइटनेस कम कर दी, तो ब्राइटनेस अगर मैंने कम कर दी, ब्राइटनेस सॉरी इंक्रीज कर दी है, मतलब ग्रे लाइटर है, ब्राइटनेस इंक्रीज कर दी यानी जो पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज है वो क्या होंगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो ये देखो ये जो हिस्टोग्राम था ये यहां पर शिफ्ट हो गया। अब समझ में आ रही है कैमरे वाले कैसे देखते हैं, जो मतलब प्रोफेशनल होते हैं वो कैसे इसे ऑब्जर्व करते हैं। अब यही चीज अगर तुम्हारे पास पूरी एक्सपेंडेड पूरी 256 विंस को कवर करती तो वो एक अच्छी फोटो होती। अब ये अगर मैं डार्क कर दूंगा तो यहां पर थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा यही। और लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि यार ये पूरा मैं सही कैसे करूं, मतलब जिसे प्रॉपर एक सही इमेज बोलते हैं वो कैसे लाएंगे, वो होती है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, अभी हम देखेंगे। सो ये ग्रे स्टेल हिस्टोग्राम आपको क्लियर हो गया ना, जैसे ही हमने ब्राइटनेस इंक्रीज करी हिस्टोग्राम थोड़ा सा इंक्रीज वैल्यूज की तरफ शिफ्ट हो गया, डिक्रीज करी तो वो डार्क वैल्यूज की तरफ शिफ्ट हो गया। हाउ टू कैलकुलेट हिस्टोग्राम्स फॉर कलर इमेजेस, कलर इमेजेस के लिए सोचो कैसे हिस्टोग्राम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सी बात है यार, जब कलर इमेजेस होती हैं तो हम लोग कैसे चलते हैं, हर एक चैनल वाइज चलते हैं ना, वैसे ही चैनल वाइज चलो। ये एक इमेज है, इसके हर एक आर जी और बी तीनों चैनल के हमने हिस्टोग्राम अलग अलग निकाल लिए। अब अगर इमेज में हम लाइट कर देंगे इमेज को, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज दे देंगे, तो देखो हर एक हिस्टोग्राम डार्कर वैल्यूज की तरफ शिफ्ट हो गया है। रेड वाला जो था वो कुछ यहां पर आ रहा था, उसे भी आगे के लिए शिफ्ट कर दिया, ये देखो उसकी पीक जो है वो आगे पहुंच गई। अगर इसे हम डार्क कर देंगे तो ये थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अब आता है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ये नॉर्मल एक लाइट इमेज है जो कि कैप्चर हो रही है, कैमरामैन ने देखा कि यहां पर, या फिर हमने देखा, वी आर कंप्यूटर विजन इंजीनियर्स, सो हमने देखा कि ये जो पीक्स आ रही है, ये जो हिस्टोग्राम है कंस्ट्रेंट है इन वैल्यूज में, तो इन इसे क्या करना है, इसे एक्चुअली में हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन होता है हर एक बिन का यूज करना, ठीक है। व्हाट इज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, इक्वलाइज द इमेज हिस्टोग्राम विच नॉर्मलाइजेज द ब्राइटनेस एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। अब मान लो मैंने ज्यादा ब्राइट कर रखी है इमेज को, तो वो क्या करेगा, एक तो नॉर्मलाइज कर देगा उसकी ब्राइटनेस, और दूसरा उसके कॉन्ट्रास्ट को एनहेंस कर देगा। कॉन्ट्रास्ट कैसे एनहेंस करेगा, आप कहोगे कि ये इस वाली उसमें हिस्टोग्राम में देखो, अभी आप इमेज को भूल जाओ, इसमें 50, 60, 70 से लेकर 256 तक वैल्यूज हैं, लेकिन इसमें 0 से लेकर 256 तक वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा बिन्स में, वही इमेज ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में होगी। आपको आंखों के सामने से दिख रहा है कि ग्रे लाइटर और ग्रे लाइटर इक्वलाइज में क्या अंतर है। चलो भाई कलर इमेज हिस्टोग्राम, अब कलर इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में क्या होता है, वी सेपरेट चैनल्स ऑफ द इमेज एंड अप्लाई हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टू ईच। थोड़ा सा ट्रिक है यहां पर, ध्यान है, थोड़ा सा ट्रिक है, यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड बताऊंगा। So, यहां पर लाइट इमेज थी और यहां पर देखो कितनी ब्यूटीफुली निखर के इमेज आ रही है, आपको आंखों से पता चल जा रहा है अंतर यार। अब हिस्टोग्राम में अंतर देखते हैं, ये देखो ब्लू वाला जो पार्ट है, सिर्फ ब्लू वाला देखना, ये 70 से लेकर 150 तक ही कंस्ट्रेंड है, बाकी सब बिल्कुल कम है। तो मैं क्या कहूंगा, ब्लू वाले को भी स्ट्रेच कर दो, रेड वाले को भी स्ट्रेच कर दो, ग्रीन वाले को भी स्ट्रेच कर दो, ठीक है, ये एक नेव तरीका है। लेकिन अभी आपके लिए ये समझो कि ये देखो इमेज फिर भी कितनी निखर के आ रही है, ये देखो जो ब्लू कलर का कर्ल पड़ा था वो इससे कितने निखर के आ रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं चाहता हूं कि इस इमेज को ऐसा नहीं जिसने कि चेंज ही कर दिए कलर, बल्कि ऐसा निखारो, ये देखो ये बढ़िया लग रही है ना इमेज, ये कुछ कैसी सी लग रही है, सेपिया टाइप लग रही है थोड़ी, और ये वाली इमेज थोड़ी निखर के आ रही है, कॉन्ट्रास्ट निखर के आ रहा है, ब्राइटनेस निखर के आ रही है, हर एक चीज वो है। तो ये होता है एक फोटोग्राफर व्यू, ये होता है कंप्यूटर विजन इंजीनियर व्यू ऑफ इंप्रूविंग एन इमेज। इसे इंप्रूव करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सो सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर लेना, ठीक है। ये देखो ये इमेज को हिस्टोग्राम इक्वलाइज कर रखा है हमने, लेकिन इस इमेज को ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, बेटर अप्रोच कैसी है जो कि कलर्स इसके मिक्स ना हो आपस में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे, अगर सब्सक्राइब ना कराओ कर देना, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऑलराइट, थैंक यू गाइस।